हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जानकारी विद जेडी। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ईवीएस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एटमॉस्फेयर के मुतालिक बात करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एटमॉस्फेयर चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, चूँकि आज के डेट में एटमॉस्फेयर ईवीएस के सिलेबस का एक हिस्सा बन चुका है, जो कि जनरल इन्वायरमेंटल साइंस है। खैर, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं, इसकी एक खास बात यह है कि इसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हवा का एक गिलाफ, हवा का एक कवर इसको चारों तरफ से घेरे हुए है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के साथ साथ ये भी रोटेट करता रहता है। तो ये जो ग्लाफ है, कवर है एयर का, इसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी कि अर्थ सरफेस के से लेकर आप लगभग 3200 किलोमीटर दूर तक जब जाते हैं ऊंचाई तक, तो आपको ये ग्लाफ, ये कवर आपको मिलता रहेगा। उसके बाद ये पतली हो जाती है, या यूं कह ले कि खत्म हो जाती है। अब ये एटमॉस्फेयर का होना ही हमारे प्लैनेट में जिंदगी और लाइफ को बचाए रखने का एक बेहतरीन वजह है। तो इनके एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट एलिमेंट्स और एक वेरिएबल एलिमेंट्स। परमानेंट एलिमेंट का मतलब गैसेस हैं, और गैसेस में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, और बाकी जितनी गैसेस है वो 1% में ही आता है, चाहे आर्गन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नियोन हो, हेलियम हो, ओजोन हो, हाइड्रोजन हो, मीथेन हो, ये तमाम के तमाम गैसेस परमानेंट एलिमेंट का हिस्सा हैं। यानी कि इसकी परमानेंसी है कि ये थ्रू आउट द ईयर, परमानेंट कहने का मतलब कि ये थ्रू आउट द ईयर कह लें या थ्रू आउट ये क्लाइमेटिक पीरियड, ये अपने क्वांटिटी को, अपने वॉल्यूम को फिक्स रखेगा, परमानेंट रखेगा, इसलिए इसको परमानेंट एलिमेंट के तौर पर माना जाता है, फिक्स्ड एलिमेंट के तौर पर माना जाता है। अब इस परमानेंट एलिमेंट में, जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम, सबसे ज्यादा मिकदार है 78% नाइट्रोजन की। उनमें कुछ इनर्ट गैसेज है जिनका कोई काम नहीं है, इनर्ट गैसेज के बारे में आपको पता ही है, नियोन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनोन, ये तमाम के तमाम इनर्ट गैसेस कहलाती हैं, नोबल गैसेस कहलाती हैं। इसको नोबल इसलिए कहा जाता है कि ये कोई रिएक्शन नहीं करता। यानी कि आपके समाज में कोई इंसान जब किसी से बातचीत नहीं करेगा तो क्या एक्शन, क्या रिएक्शन होगा? जब किसी से मिलना जुलना नहीं होगा तो क्या एक्शन, क्या रिएक्शन होगा? तो गोया के शरीफ कह लो या आइसोलेटेड कह लो, लोनली रहने वाले गैसेस, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इनसे मिलकर कोई कंपाउंड नहीं बनता, इसलिए इनर्ट कहते हैं, इनएक्टिव कहते हैं। अगला एलिमेंट आता है वेरिएबल एलिमेंट। वेरिएबल एलिमेंट का मतलब ये थ्रू आउट द ईयर, साल के किसी ना किसी पीरियड में इसका अमाउंट, इसकी वॉल्यूम कम बेसी होती रहेगी, इसलिए इसको वेरिएबल एलिमेंट कहते हैं। इसमें आपका वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल खासतौर से है। अब वाटर वेपर में आपका बादल, कोहरा, स्मोग, बारिश, ड्यू, फॉग, स्मोग, ये तमाम के तमाम वेरिएबल एलिमेंट्स में आते हैं। इस वेरिएबल और एट ए टाइम पूरे इलाके में एक जैसा स्मोग नहीं रहेगा, ना स्मोग रहेगा ना स्मोग रहेगा, लेकिन एट ए टाइम एक बड़े से इलाके में नाइट्रोजन की एक फिक्स वॉल्यूम 78% होना ही होना होता है। अब आइए इस एटमॉस्फेयर को उसके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से किस तरह हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से इसको टू टाइप्स या दो लेयर इनका बना सकते हैं। एक होगा होमोस्फीयर, होमो मतलब सेम, सिमिलर, और एक हेटेरोस्फीयर। होमोस्फीयर अर्थ सरफेस से, होमोस्फीयर अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर की हाइट तक आपको मिलेगी, जहां पर
गैसेस की केमिकल बनावट और केमिकल कंपोजिशन तकरीबन फिक्स रहता है, सिमिलर रहता है, इसलिए इसको होमोस्फीयर का नाम दिया गया है। और एक आता है हेटेरोस्फीयर, यानी 80 किलोमीटर के ऊपर से लेकर जहां तक आप जा पाए तकरीबन 10,000 किलोमीटर की बुलंदी तक आप जब चले जाते हैं, तो वहां पे गैसेस का जो वॉल्यूम है, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, उसमें एक तरह का आपको रद्दोबदल नजर आएगा, एक तरह की डिससिमिलरिटी नजर आएगी, इसलिए उसको कहते हैं हेटेरोस्फीयर। तो ये केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से दो टाइप या दो लेयर हमने बनाया, एक 0 से 80 किलोमीटर, एक 80 किलोमीटर प्लस से लेकर 10,000 किलोमीटर तक। अब हम फिर डिवाइड करेंगे एटमॉस्फेयर के लेयर्स को ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, या दूसरे शब्दों में यूं कह लें कि ऑन द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर का एक गहरा रिश्ता है। तो टेम्परेचर के वेरिएशन को जहन में रखते हुए एटमॉस्फेयर के 7 लेयर्स बनाए गए हैं, 7 लेयर्स हैं, जिनमें से एक एक पर हम इंडिविजुअली चर्चा करेंगे। वीडियो बड़ा मस्त होने वाला है, आप जरूर देखिए, समझ में भी आएगी बातें। मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ से शुरू कर रहा हूं, इसलिए एक बेहतरीन एनालिसिस होगा, आप बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहला लेयर, यानी कि नीचे से जब शुरू करते हैं अर्थ सरफेस से, तो सबसे फर्स्ट आता है जिसकी ऊंचाई होती है 0 टू ऑन एन एवरेज 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। एक्चुअली इसकी जो ऊंचाई होती है पोल्स पर कम होती है, तकरीबन लगभग 5 से 6 किलोमीटर, और इक्वेटर पर 16 किलोमीटर तक होता है। जब उसका एवरेज हम करते हैं तो 11 किलोमीटर तक आता है। तो इसको हम ऑन एन एवरेज 11 किलोमीटर ही ऊंचा कहेंगे। एक्चुअली इसी लेयर को ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ कहा गया है, क्योंकि जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, जो भी मेटरोलॉजिकल फेनोमेनन हैं, वो तमाम के तमाम इसी लेयर्स में आपको सच पूछे तो नजर आता है, यानी कि गैस, वाटर वेपर, गुर्दों का बार, बारिश, तूफान, ये जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, वेदर चेंजेस हैं, ये आपको यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ हर एक किलोमीटर की ऊंचाई पर 4 डिग्री, यहाँ हर एक किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता जाएगा और प्रेशर भी गिरता जाएगा। उस हिसाब से जब आप देखेंगे तो 11 किलोमीटर जाने के बाद गालिबन आपका -56 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है। यहाँ पाने वाली जो खास गैसेज हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये गैसेज यहाँ पे मिलती हैं। इसको प्यार से कभी कभार एंग्री जोन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसे एंग्री जोन भी कहा जाता है, यानी एंग्री लेयर भी कहा जा सकता है। अगला लेयर आता है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसकी ऊंचाई 11 किलोमीटर से ऑन एन एवरेज 50 किलोमीटर तक जाता है। ध्यान रहे कि यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे फिर बढ़ना शुरू होता है, यानी कि -56 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते हुए -2 डिग्री सेल्सियस तक आकर रुक जाता है तकरीबन। और इस लेयर की एक खास बात जो होती है वो ये है कि इस लेयर के ऊपर में, यानी के 45 या 40 किलोमीटर से शुरू होकर थोड़ा सा ऊपर तक, वो जो एक रीजियन बनता है उसको ओजोनोस्फीयर कहते हैं। यानी ओजोनोस्फीयर कोई लेयर्स का अलग लेयर नहीं है, बल्कि उसी में शामिल है। वहां पे ओजोन गैस बहुत ज्यादा मिलता है, एक्चुअली वही मिलता है, इसलिए उसको ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। यानी कि जहां स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होने को होगा और मेसोस्फीयर शुरू होने को होगा, उसके बीच की एक कड़ी होगी, वहां पर उसको हम लोग ओजोनोस्फीयर कहेंगे। ओजोनोस्फीयर की खास बात यह है कि वहां
ओजोन गैस बहुत ज्यादा मिकदार में मिलेगी। अब चूंकि इस लेयर में टेम्परेचर काफी गिरा हुआ रहता है, इसलिए परिंदे यहाँ उड़ते नहीं है, और परिंदे चूंकि उड़ते नहीं है इसलिए यहाँ पे एरोप्लेन हवाई गुजरता है, इसलिए इसको कभी कभार साइलेंट जोन भी कहा जाता है, साइलेंट लेयर भी कहा जाता है। और ये परत में जो यहाँ पे ओजोन लेयर होता है, ओजोन जो गैसेस पाए जाते हैं उसकी वजह से, ओजोन लेयर पर हम लोग अलग से एक बार बात कर लेंगे, सिर्फ इतना बताता चलूं कि ओजोन परत कोई अलग नहीं है बल्कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ही एक एरिया है जिसको। अगला आता है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर की एक खूबी यह है कि ये तो 50 से 80 किलोमीटर, 82 या 90 किलोमीटर तक की बुलंदी तक है, और यहाँ पर फिर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर 90, -90 या -95 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। और यहाँ हवा काफी पतली होती है, यानी प्रेशर भी ना के बराबर, और एक बहुत ही ठंड इलाका होता है, कोल्ड लेयर है ये, और यहीं पर आपको मेटियोर्स यहाँ पे जल जाते हैं अक्सर, यहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा बहुत कम होता है। अगला आता है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर जस्ट मेसोस्फीयर के बाद आता है, इसमें टेम्परेचर फिर एक बार बढ़ना शुरू होता है और हाईएस्ट टेम्परेचर जितना तक जा पाए तकरीबन 1200 या 1300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और यहाँ भी हवा काफी हल्की होती है, काफी पतली होती है, मगर यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इतनी गर्मी होती है कि जो भी गैसेस हैं यहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स की को छोड़कर वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। यही वजह है कि कभी कभी इसको आयनोस्फीयर के अलावा थर्मोस्फीयर का भी नाम दिया जाता है, यानी आयनोस्फीयर इसलिए कि यहाँ गैसेज मोलिक्यूल की हालत में नहीं बल्कि आयन की हालत में होता है, थर्मोस्फीयर इसलिए कि हाइएस्ट टेम्परेचर हम कह सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब चूंकि यहाँ पे आयन मिलता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, इसलिए यहाँ से टेली कम्युनिकेशन करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, तो गोया के हम कह सकते हैं कि टेली कम्युनिकेशन दरअसल आयनोस्फीयर से होता है। और यही आयन्स जो अक्सर कभी कभार जल उठते हैं उसी को अरोरा का नाम दिया जाता है। अब ये अरोरा अगर आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर में नजर आए तो उसको अरोरा बोरालिस कहेंगे, और साउथ हेमिस्फीयर में नजर आए तो उसको अरोरा अस्ट्रालिस का नाम दिया जाता है। ये परत अल्ट्रा वायलेट रे और एक्सरे वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि आखिर वाला आता है एक एक्सोस्फीयर, इसके मुताबिक उतनी जानकारी ही नहीं है, सबसे आखिरी इलाका है इसका एटमोस्फेयर का हमारे, इसकी ऊंचाई वही 500 किलोमीटर प्लस में जितनी है वो तमाम के तमाम को हम लोग एक्सोस्फीयर बोलते हैं। एक्सोस्फीयर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी यहाँ पे हासिल नहीं है, इसलिए भी ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, अब हम लोग दूसरा कुछ देख लेंगे। अब जो मैं पूरे परत का जितने भी लेयर्स हम लोगों ने पढ़ा इसको अगर टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा सा एनालिसिस करें तो पता आपको चलेगा कि सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर में ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर गिरता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ता है, फिर मेसोस्फीयर में गिरता है, फिर आयनोस्फीयर में बढ़ता है, इस चीज का खास ख्याल रहे। अब हम लोग ओजोनोस्फीयर पर अलग से बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इसलिए कि यहाँ पे अक्सर सवाल आप पूछ लिए जाते हैं। तो ओजोनोस्फीयर के बारे जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि स्ट्रेटोस्फीयर का ही ऊपर वाला इलाका ही ओजोनोस्फीयर कहलाता है, क्योंकि यहाँ ओजोन नामी गैस बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। अब ओजोन गैस कोई और नहीं है बल्कि ऑक्सीजन ही है। एक्चुअल में यहाँ पर ऑक्सीजन जब अपने आयन की हालत में O3 हो जाता है, आयन की हालत में आकर O3, तो उसको ओजोन गैस कहा जाता है, यानी कि ओजोन गैस का फॉर्मूला O3 हुआ। अच्छा, अक्सर इसकी इकाई भी पूछी जाती है, ओजोन गैस की इकाई यानी ओजोन गैस के वॉल्यूम को नापने की जो इकाई होती है उसको डॉप्सन कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्या कहा जाता है, डॉप्सन। O3 यानी ओजोन गैस की खास बात क्या है कि ये सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस, ध्यान रखिए हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस, वरना वहां से यूजफुल अल्ट्रावायलेट रेस भी आती हैं, लेकिन ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को कैद कर लेती है, पकड़ लेती है और उसे हमारे जमीन तक आने नहीं देती है, जिससे यूवी किरण के बुरे असर से हमारी जमीन के जानदार बच जाते हैं, महफूज हो जाते हैं। अब इसमें हैरान करने वाली बात है, काफी साइंटिफिक बात है कि ओजोन लेयर जो बनता है या ओजोन गैस जो बनता है कैसे बनता है। तो जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ओजोन
कुछ और नहीं बल्कि ऑक्सीजन का ही एलोट्रॉप है, ऑक्सीजन का ही बहरूप है। असल में ओजोन के फॉर्मेशन में भी यूवी रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब काफ़ी हीट में यूवी रे की मौजूदगी में इसमें रिएक्शन होता है तो ये होता है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में एटॉमिक साइज में टूट जाते हैं, एटॉम में टूट जाते हैं। फिर ये किसी तीसरे, और ये काफ़ी रिएक्टिव हो जाता है, ये जब किसी तीसरे मॉलिक्यूल एटम से टकराते हैं तो आपस में मिलकर ये O3 बना लेते हैं, नहीं ऑक्सीजन। यानी कि यूवी किरण की ज़रूरत तब भी पड़ती है जब ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है, फिर इसी गैस को, इसी रेज को रोकने के लिए फिर ओजोन लेयर ही काम में आता है। अजीब सी बात है ना। अब फिर अगर एक सच्चाई से पर्दा उठाऊं तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो O3 होता है अपने आप में हमेशा अनस्टेबल होता है। इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी इलाके में जब ये रहता है और वो विकिरण आती है तो वो क्या करता है, उसको जज्ब करके फिर अपने आप को ये ऑक्सीजन एटम बना लेता है और ऑक्सीजन मोलिक्यूल बना लेता है। यानी कि ये प्रोसेस चलते रहता है, गोया के ओजोन ऑक्सीजन का एक साइकिल बन जाता है। ओजोन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फिर ओजोन, ओजोन से फिर ऑक्सीजन, ये एक बेहतरीन साइकिल चलता है। अब हैरान करने वाली या फिर यूं समझ लीजिए कि दुखद बात क्या है, दुखद बात यह है कि ये जो ओजोन लेयर है यूवी किरण की मदद से तो बनता है और यूवी किरण को रोकता भी है जो नुकसानदाह हो, लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि आज के डेट में इस ओजोन लेयर को, यानी कि ओजोन के गैस धीरे धीरे पतली होती जा रही है। ओजोन गैस जहां जहां पतली हो जाती है उस जगह को ओजोन होल कहते हैं। इसको सबसे पहले पोलर रीजियन में देखा गया था, ओजोन होल कहते हैं। और इनको जो इस तरह नुकसान कराते हैं, ओजोन गैस को तोड़कर बेकार कर देते हैं उसको, या एक जो दुखद बात यह है कि ओजोन परत यानी कि ओजोन गैस को तबाह करने वाले, डिस्ट्रक्शन करने वाले भी बहुत सारे मटेरियल हैं जिसको ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस भी कहते हैं, ODS, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस भी कहते हैं। ये ओजोन का जो लेयर है ये दो तरीकों से तबाह हो रहा है, एक नेचुरल प्रोसेस भी है और एक मैनमेड प्रोसेस भी है, एंथ्रोपोजेनिक जिसे कहते हैं। तो अगर हम नेचुरल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि NO2 यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों अक्सर ओजोन के साथ रिएक्शन करके उसको तबाह कर देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि नेचुरल ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस ODS कौन हो गया, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। अब यहाँ एक सवाल आता है कि वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड इतना मिकदार में गया कैसे, तो जैसे कि आप जानते हैं रॉकेट और जेट वगैरह जो उड़ता है वहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन या लिक्विड नाइट्रोजन का जो यूज होता है फ्यूल के तौर पर, तो वहां से वो गैस नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और वो फिर ओजोन के साथ रिएक्शन करके ओजोन परत को तबाह कर रहा है। और मैनमेड में एक बड़ा खतरनाक है, वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका फॉर्मूला है CFCl2, ध्यान रहे CFCl2, शॉर्ट में कहते हैं CFC और पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक गैस है जो मैनमेड गैस है और ये विशेष करके रेफ्रिजरेटर, AC और कूलिंग एजेंट जितने भी हैं, जहां भी कूलिंग एजेंट है वहां से ये निकलता है, कूलेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, वहां से ये निकलता है और ओजोन लेयर को बड़ा नुकसान कर रहा होता है। तो इससे बचने के रास्ते निकालने होंगे। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अगर ओजोन आ जाए जमीन पर, यानी कि आता ओजोन, अच्छा अब जो मैं बताने वाला हूं कि ओजोन के डिस्ट्रक्शन, ओजोन लेयर के डिस्ट्रक्शन की वजह से हमें क्या नुकसान है, जानदारों को क्या नुकसान है, तो मैं एक बार बता चुका हूं, मैं जाहिर तौर पर एक बार फिर बोल देता हूं। ये जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवी रेज है अगर ये जमीन पर आ जाए तो सबसे पहला जो ह्यूमन लाइफ पर असर पड़ेगा तो उसको स्किन कैंसर, आंखों का ब्लाइंडनेस होना और DNA में चेंजिंग का खतरा रहता है। ये बड़ा भयानक असर हो सकता है, यानी एक इंसान जब यूवी रेस के कांटेक्ट में ज्यादा वक्त तक रहे तो खतरा है कि उसका DNA कहीं चेंज ना हो जाए, ये बड़ा खतरा है। आइए अब हम लोग आते हैं एक अलग टॉपिक के पास, एक वर्ड है, पहले मैं कुछ गैसेस के नाम बता रहा हूं, इसको आप बढ़िया से देखिए फिर मैं बताता हूं क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मिथेन, वाटर वेपर और CFC, ये तमाम वो गैसें हैं जिसका इफेक्ट काफी गर्म होता है और इसकी वजह से
पूरा एटमॉस्फेयर ही गर्म हो रहा है और पूरी दुनिया का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, GHG। लेकिन फिर भी बात शायद समझ में नहीं आई होगी क्यों, तो फिर ग्रीन हाउस गैस क्यों कहे, हॉट हाउस गैस कह देते। एक्चुअल में इन गैसेस का इस्तेमाल करके जो काफ़ी कोल्ड कंट्रीज हैं वहाँ शीशे के घरों में इन गैसेस को छोड़ देते हैं और वहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह साग सब्जी वगैरह उगाई जाती है जिससे वहाँ एक ग्रीनरी नज़र आती है। तो उसी लिहाज से इन गैसेस का नाम, उस हाउस में ग्रीनरी इन गैसेस की वजह से हुआ इसलिए इसका नाम रखा गया ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, अब यहाँ जो एक क्वेश्चन बन सकता है, ये जितने मैंने ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताया उनमें से एक मीथेन है जो कि एक ऑर्गेनिक ग्रीन हाउस गैस है। तो कभी अगर सवाल आए कि ग्रीन हाउस गैस जो ऑर्गेनिक है तो आप मीथेन पर टिक लगाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पर नहीं, इस चीज़ का भी ध्यान रहे। अब ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट है वो तो जाहिर है, मैंने बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में भी बताया भी है के उसके क्या दिक्कतें हैं। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इससे पोलर जो आइस है वो पिघल रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले जानदार जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ज़िंदगी काफ़ी ख़तरे में आ गई है, जिसमें पोलर बियर जो वाइट रंग का होता है, स्नो बियर जिसको कहते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में आ गई है, यानी कि वो एक्सटिंक्ट के कगार पर चले गए, आज इंडेंजर्ड हैं। उसके अलावा जब वही पानी जब समंदर के साथ मिलता है तो फिर समुद्र का वाटर लेवल इतना ज़्यादा हाई होता है कि बहुत सारे आइलैंड अब तक ख़त्म हो चुके हैं, डूब चुके हैं, जिसमें से लोहा चारा थोड़ा मरा वगैरह जो सुंदरबन डेल्टा के करीब है वो ख़त्म हो चुका है, जैसा कि मैं बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के ये असरात हैं, ये इफ़ेक्ट्स हैं, इससे बचने की ज़रूरत है। तो इसलिए आइए पहले अब हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या प्रिवेंशन हम लोग ले सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस के अखराज को कम कर दिया जाए, उसके इमिशन को कम कर लिया जाए, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक नंबर आप लोग जो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन पर रोक लगाया जाए और अफॉरेस्टेशन किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम हो और ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। उसके अलावा जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल, किरासन, कोयला, इसका इस्तेमाल मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ख़त्म कर दें, बल्कि इसका इस्तेमाल जितना मुमकिन हो पाए अगर कम किया जाए, चूँकि इससे बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं जो कि बहुत भयानक एक ग्रीन हाउस गैस है। उसके अलावा अब सवाल है कि लकड़ी, पेट्रोल या किरासन जब आप नहीं चलाएंगे तो फिर क्या चलाएंगे, तो उसके लिए LPG और CNG का आप सहारा ले सकते हैं। इसमें कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। और इसके लिए जो बेहतरीन काम किया जा सकता है वो अल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज जो हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोटिक एनर्जी, बायोगैस वगैरह का यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पर कंट्रोल किया जा सके। तो मैंने अभी अभी एक बात करी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉसिल फ्यूल की बात करी, तो फॉसिल फ्यूल के मुताबिक आपको पता ही है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ ऐसी एनर्जी जो आज से पहले नहीं था, मतलब ऐसी एनर्जी जो पहले नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे ये मार्केट में आ रही है और ये कम से कम पॉल्यूशन करता है, कम से कम ग्रीन हाउस गैस इमिट करता है। उसका बेहतरीन एग्जांपल सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी वगैरह है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, इनको इन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है क्योंकि इनका स्टॉक खत्म होने का नहीं, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोल लें या इन एग्जॉस्टेबल एनर्जी बोलें या इसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी या फिर इन एग्जॉस्टेबल एनर्जी, ये तमाम एक ही का नाम है। और कन्वेंशनल एनर्जी जिसको अब तक यूज करते हैं, यानी कि बहुत हद तक फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, फॉसिल एनर्जी हैं, वही है। उसमें आप कोयला, लकड़ी, तेल, पेट्रोल, पानी, लकड़ी वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनल एनर्जी कहने का ये माना हरगिज नहीं होता कि तमाम के तमाम फॉसिल फ्यूल ही होते हैं, उसमें लकड़ी भी शामिल है। मतलब यह क्या, जो इस्तेमाल होते आ रहा है और जो कि काफ़ी पोल्यूटिंग भी होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा से ज़्यादा इमिशन होता है, उसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है।
अब एक टर्म आता है जब आपको कहा जाए कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करें, तो जाहिर है इस पे हम फायदे देखेंगे। तो फायदों में जैसे कि एक चीज तो पता चला कि ये कम पॉल्यूटिंग होते हैं, लेस पॉल्यूटिंग या नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं। उसके अलावा और एक वजह है जिसकी वजह से इस पर जोर दिया जा सकता है कि आप नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें। उसमें है क्या कि एक टर्म आता है कैलोरीफिक वैल्यू। जब आप 1 kg कोई भी फ्यूल यूज करके जितना एनर्जी प्राप्त करते हैं, जितना एनर्जी गेन करते हैं, उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आप जब 1 gram ऊट जलाते हैं तो आपको महज 17 kJ ही मिलेगा। वहीं पे अगर मीथेन जलाते हैं तो वहां पे आपको 55 kJ पर ग्राम आपको एनर्जी मिलेगा। तो जाहिर है कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो मीथेन का बहुत ज्यादा है 55, एलपीजी का भी 55 है। तो ये जो भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा है, इसलिए आप इन्हें यूज करें। अब आइए कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर थोड़ा थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। सबसे पहले है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आप देखे हैं, जहां तहां आपने सोलर पैनल लगे हुए देखे होंगे, आपके रेलवे गेट के बगल में, आपके किसी सरकारी दफ्तर के अगल बगल में आपने देखा होगा सोलर पैनल लगे होते हैं। वहां पे सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और फिर उस हिसाब से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलते हैं, यानी सोलर अप्लायंसेस चलते हैं, चाहे सोलर कुकर हो, सोलर सेल हो, या सोलर यहाँ तक के सोलर व्हीकल वगैरह भी। उसके अलावा विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी विशेष करके खासतौर से उन इलाकों के किनारे लग पाएगा, उन जगहों में लग पाएगा जो समंदर के अगल बगल में हो। तो तमिलनाडु इस मामले में काफी आगे हो रहा है। विंड एनर्जी की वजह से बिजली का सामान भी चलता है, मील वगैरह भी चलता है, उसमें ब्लेड लगे हुए होते हैं। एक छोटी सी तस्वीर है, आप यहाँ देख लें। उसके अलावा टाइडल एनर्जी को यूज किया जाता है, चूंकि ये काइनेटिक एनर्जी होती है, काफी टर्बाइन वगैरह चलाया जाता है इसे। तो काइनेटिक एनर्जी यानी टाइडल एनर्जी से भी आप टर्बाइन चलाकर इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा कर सकते हैं और इसमें कोई पॉल्यूशन वाली कोई बात ही नहीं है। उसके अलावा एक जियोथर्मल एनर्जी है। ये एक्चुअली जमीन के अंदर जो अपनी एक गर्मी होती है, पिघले हुए चट्टान की गर्मी होती है, उसको अगर यूज में लेके आया जाए तो उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। इससे भाप वगैरह मिलती है जिससे मोटर गाड़ियां और मोटर कार वगैरह चलाई जाती है, मोटर को घुमाया जा सकता है। अच्छा, एक है बायोमास एनर्जी। बायोमास का मतलब हुआ कि जो भी पेड़ पौधे का गला चिरा जो भी ये है, खाने पकाने के लकड़ियों को जब ये किया जाता है तो उससे जो है एक निकलता है जिसको हम लोग बायोमास एनर्जी कहते हैं। और एक बायोगैस है। बायोगैस दरअसल बायोमास को जब चेंज कर देते हैं तो वो बायोगैस बन जाता है। बायोगैस में बहुत बढ़िया है आपका एक मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड का मिक्सचर है एक्चुअली में। बायोगैस जब आप कहते हैं तो सच पूछिएगा तो बायोगैस कहने का मतलब कि मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह का मिक्सचर है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मिथेन है। ध्यान रखें कि मिथेन का कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है और मिथेन काफी गर्म गैस भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। 70% बायोगैस में 70% आपका मिथेन रहता है, बाकी चीजें दूसरी रहती है। और ये आप हासिल कर सकते हैं काउ डंग से, बफालो डंग से, पोल्ट्री वेस्ट से, इंसानी टॉयलेट से और भी दीगर कचरे वगैरह से आप आसानी के साथ बायोगैस प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ये काफी सस्ता भी होता है, कैलोरीफिक कीमत भी बहुत ज्यादा होती है और ये नॉन पॉल्यूटिंग भी होता है, इसे चाहे यूज कर। मिथेन के सिलसिले में और एक बात, ये इसको मार्शी गैस भी कहलाता है। ये एक तो ऑर्गेनिक है ही, ग्रीन हाउस गैस है ही, उसके अलावा बहुत बढ़िया फ्यूल है। बहुत सारे गैसेस में आपके एलपीजी में मिथेन का होना जरूरी है, बायोगैस में मिथेन का होना जरूरी है, तो ये काफी कैलोरीफिक वाला गैस है। उसके अलावा एक टर्म आता है सीबीडी, कोल बेड मिथेन। ये एक्चुअल में कोल बेड मिथेन आपका, कोल बेड मिथेन का मतलब हुआ कोल माइन में कोयले की कान वगैरह में जो मिथेन रहता है वहां से निकाला जाता है ड्रिलिंग करके, उसको कोल बेड मिथेन बोलते हैं, CBM बोलते हैं। उसके अलावा एक मिथेन हाइड्रेट आता है, ये पोलर रीजियन में कुछ बर्फ के नीचे मिथेन फंसा हुआ रहता है और वो ठोस बर्फ के जैसा दिखता है, इसलिए कभी कभार इसको फायर आइस भी कहते हैं, मिथेन हाइड्रेट भी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।